अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ झटपट मीठा, जिसका नाम है पाना कोटा। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी से बन जाएगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर पुश करें। चलें आते हैं रेमेडी की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए 2 पैकेट मिल्क क्रीम, 1 आम, उसको मैंने पेस्ट बना ली है, और ये भी 1 आम है, इसके आपने क्यूब्स बना लिए हैं। ये हमारे पास है वनीला एसेंस, इसको 1/2 टीस्पून आपने लेना है। ये 4 टेबलस्पून शुगर, 2 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर। सबसे पहले आपने एक बर्तन लेना है, उसके अंदर आपने क्रीम डाल देनी है। क्रीम डाल के उसके अंदर जो मैंने आपको चीनी बताई थी 4 टेबलस्पून, आपने वो ऐड कर देना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखें, ये हल्का सा जैसे ही इसके बबल्स बनना स्टार्ट हो तो आप इसको बंद कर दें। अब ये जेलेटिन पाउडर में गर्म पानी डाल दें, इसको अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर लें। ये चूल्हा बंद कर लें। अब ये जो हमने जेलेटिन पाउडर घोल के रखा था, ये आप इसमें डाल दें। इसको मिक्स करके इसको बोल में निकाल लें। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून आपने वनीला एसेंस डाल देना है, और ये जो प्यूरी हमने बनाई थी मैंगो की, वो डाल दें। अब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर ये मैंगो डाल दें जो क्यूब्स बना के हम लोगों ने रखे थे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप इसको फ्रीज़र में रखते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद ये हमारा पाना कोटा तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।